हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अपना एफएफएल के बारे में, मतलब फ्रेंच फॉरेन लीजन से रिलेटेड कुछ जानकारियां दूंगा मैं आज आपको। जो भी मेरे भाई बंधु ठीक है इस वीडियो में पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एफएफएल के बारे में। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि एफएफएल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, क्या क्या नहीं है, क्योंकि बहुत से भाइयों का मेरे पास कमेंट आया है, मैसेज भी आया है इंस्टा पे स्पेशल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो उन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, आपसे एक बहुत धन्यवाद भाइयों। तो अब मैं तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अब तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एफएफएल को ज्वाइन करने के लिए हमको सबसे पहले हमारे पास क्या क्या जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंटेशन, वो हमारे पास क्या क्या होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट जो अपना है वो होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा वहाँ एंट्री नहीं है, और पासपोर्ट के अलावा हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास वहाँ के उसी फ्रांस फ्रांस के लगा लो या कहीं भी आधा घंटे के हमारे पास डॉक्यूमेंट हो, पीआर हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। और तो और वहाँ जाने के लिए मतलब फ्रेंच फॉरेन लीजन में जाने के लिए एंट्री के लिए अपने पास कोई वीज़ा भी नहीं मांगते वो, कि अपने पास कोई वीज़ा हो कि हम कहाँ से आए, मतलब हम फ्रांस में कैसे आए कैसे नहीं, कोई कोई शेंगेन वीज़ा नहीं, कोई फ्रांस वीज़ा नहीं, कुछ नहीं मांगते वो। सिर्फ और सिर्फ हमको वहाँ जाना है, हमारे पास ही पासपोर्ट होना चाहिए, चाहे हम डोंकी में आए चाहे जैसे भी आए। ठीक है, चाहे एक नंबरी आए, दो नंबरी, डोंकी वगैरह जैसे भी आए, वो सब वहाँ मैटर नहीं करता। बस हमको किसी तरीके से वहाँ पहुँचना है, उनके गेट पर जाके खड़े हो जाना है। ठीक है, उसके बाद वो खुद आपको अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद आपकी ट्रेन मतलब कि अंदर जाने के बाद आपका सब कुछ सामान जो है वो चेक किया जाएगा। और अब हम बात करते हैं सामान कि हमको अपने साथ क्या क्या लेके जाना है। आपको अपने साथ 2 से 3 सेट अपने ड्रेस वगैरह हो गए, आपके कपड़े। ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग जैसे भी आपको ठीक लगे। और दोस्त में भी मतलब एक शूज, एक जोड़ी शूज की, स्पोर्ट्स शूज, जिसमें मतलब आपको रनिंग वगैरह में करने के लिए आसानी रहे। और अपने साथ आपका लेजर मतलब कि शेविंग करने के लिए, क्योंकि तो वहाँ आपको दाढ़ी नहीं, बियर्ड रखनी अलाउड नहीं है, और शेविंग क्रीम भी होनी चाहिए आपका, आपके साथ आपका सोप, जिसे आपने मतलब बॉडी वॉश करनी है या बॉडी वॉश हो आपके पास। ठीक है, और मेन आपका सामान यही है। ठीक है, कि मतलब आपके साथ क्या क्या हो गया, आपके ड्रेसेस कम से कम 3 हो, आपके अंडर गारमेंट्स हो गए, और शेविंग क्रीम, शेवर लेजर हो गया, और तो कुछ नहीं है मेरे आपका, यही है आपका टूथब्रश वगैरह हो गया। ठीक है ना, तो बाकी और आपके पास मनी कुछ मान के चलो अपने पास होनी चाहिए, मिनिमम कम से कम 400 तो आप लेके चलो। अभी जरूरत नहीं पड़ती है वहाँ मनी की, वो तो अलग से, अगर आपने कभी चॉकलेट वगैरह खानी हो वहाँ अंदर एक शॉप भी है, तो आपको अलग से खिलाएंगे, अगर आपने लेनी है तो आप ले सकते हो वो चीज़। सो मतलब कि वहाँ चॉकलेट वगैरह भी होती हैं, जूस वगैरह भी अलग से वहाँ भी ले सकते हो आप उनसे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने अगर अपने पैसे लेके जाने तो आप लेके जा सकते हो, मतलब ज़्यादा भी मत लेके जाना, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि ज़्यादा पैसे मत लेके आओ, क्योंकि वहाँ इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती। और क्योंकि खाना पीना वैसे उनका फ्री, उनकी तरफ से बिल्कुल फ्री होता है खाना पीना, रहना उनका है। बाकी वहाँ जाने के बाद आपके जो आपको वहाँ कपड़े भी प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको अपनी ड्रेस देंगे वहाँ की। और वहाँ पे फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सामान के बाद। ठीक है, सामान हमने क्या क्या लेके जाना वो हो गया। तो उसके बाद जब हम बताते हैं कि हम आपको अंदर कैसे जाते कैसे कैसे जाना पड़ेगा, आप गेट से जब एंटर हो जाएंगे तो उनके अंदर अंदर जाते ही एक कमरा है वहाँ पे, मतलब आपको अपना वो सामान मतलब आपका बैग खाली करने के लिए कहेंगे, जिसमें कि आपके ये शॉपिंग, ये मतलब अपना शेविंग क्रीम वगैरह, आपकी सोप, आपके जूते, कपड़े, अंडर गारमेंट्स, टावल, टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें होंगी। ठीक है, वो आपको प्रॉपर चेक करेंगे कि आप ये सब कुछ चीज़ें लेके आए हो या नहीं लेके आए हो, वो सब कुछ वो चेक करेंगे। आपके सॉक्स वगैरह भी होंगी, मतलब जो भी आपका नॉर्मल चीज़ें, आपकी ड्रेस तो नॉर्मल ही होगी, टूथब्रश पेस्ट हो गया, और अपना कॉम की जरूरत नहीं है क्योंकि मे भी
जो आप, क्योंकि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आप वहाँ सेट हो जाएंगे, उसके बाद आपको वो गंजे कर देंगे, तो आपको गंजे रहना पड़ेगा, तो कॉम की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो सब कुछ वो चेक करते हैं, अगर आपके पास वो सब कुछ होगा तो ही वो आपको अंदर एंट्री दे आगे तक लेके जाएंगे। अगर वो आपके पास वो कुछ नहीं मिला तो आपको वहीं से बाहर भेज देंगे। और पासपोर्ट वो आपसे पहले ले लेंगे, जब आप गेट पे आओगे वो आपका पासपोर्ट लेके एक बंदा जो आएगा उनका अंदर चला जाएगा, अंदर जाकर उनको पासपोर्ट वगैरह दिखाएगा। उसके बाद वो आपके पास आएंगे, आपको अंदर लेके जाएंगे, आपका सामान सब चेक होगा। उसके बाद आपको वहाँ से वो ऊपर लेके जाएंगे बिल्डिंग में, ठीक है, थोड़ा दूर जाके अंदर अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जाके ये जो अभी आपका जो सामान चेक होएगा वो गेट से, जो उनका मेन गेट है वहाँ पे अंदर एंट्री होती लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जहाँ मैं गया था वहाँ पे, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में है एक बड़ा सा एक कमरा है, उसके अंदर आगे मतलब कि चेयर वगैरह भी बढ़िया है, अपना साइड में टेबल वगैरह भी है, तो उसके ऊपर वो रखेंगे। उसके ऊपर वो आपको कहेंगे कि आपका बैग खाली कर दो, सामान दिखाओ आपके पास क्या क्या है, इंग्लिश से बात करते हैं वो। और मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि आप कम से कम इंग्लिश लैंग्वेज से सीख के जुड़ जाएँ, या अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख के जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको आगे परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज आपको सीखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल तो सीखनी ही पड़ेगी कभी ना कभी, क्योंकि आगे जाके पेपरों के लिए या जब आप कहीं भी जाओगे धीरे धीरे आपको वो लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। और उनके उनके गन्स के नाम, उनके जो भी हथियार वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सब के आपको नाम याद करने पड़ेंगे, वो भी फ्रेंच में। तो इसीलिए अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख के जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, इंटरव्यू में आपको आसानी रहेगी। और एक बात, और इंटरव्यू आप हिंदी में मत देना, या आप इंग्लिश में देना या फ्रेंच में देना, क्योंकि हिंदी वालों को वो बहुत कम रखते हैं, आपको मैं पहले ही बता दूं। क्योंकि अपना जो हिंदी लैंग्वेज का जो इंटरव्यू लेते हैं वो अपना इंडियन भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, नेपाली भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आगे अपनी क्या रिपोर्ट दें मैं कुछ नहीं बता सकता, ना मैं किसी को अच्छा कहना चाह रहा हूँ, ना मैं किसी को बुरा कहना चाह रहा हूँ, बट वो सिर्फ अपनी जो इमेज के ऊपर डिपेंड है, अपनी इमेज की जो जो अपनी इमेज है मतलब उसके ऊपर वो असर डालता है कि इनको ना ही तो इनके फ्रेंच आती है ना इनको इंग्लिश आती है, तो इस चक्कर में वो अपने को सिलेक्ट नहीं कर पाते, वो अपने को मतलब अपने जो भी हिंदी बोलते हैं वो सिलेक्ट नहीं करते, वो सीधा मना कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, मैं थोड़ा आगे चला गया था, तो उसके बाद जब आपकी एंट्री हो जाएगी, सामान वगैरह तय होगा, आप बिल्डिंग में जाओगे, आपको ऊपर लेके जाएंगे, वहाँ पे आपका एंट्री करते ही दोबारा फिर वहाँ पे आपको सिर्फ आप अकेले नहीं, डेली वहाँ पे ना कम से कम मान के चलो 6-7 बंदे लड़के डेली आते हैं, तो वहाँ का कोई टाइम नहीं है, ये नहीं कि वहाँ भर्ती निकलती है अभी आज भर्ती निकली हुई है आज आ जाओ, कोई टाइम नहीं उनका, कभी मर्जी आप जाओ, 365 दिन 24x7 कभी भी आप जाके खड़े सकते हो। बट रात का तो मेरे को प्रॉपर रात का नहीं पता कि रात को जैसे 12-1 बजे के बाद तो मुझे नहीं पता कि वहाँ एंट्री हो पाएगी नहीं हो पाएगी, बट मे भी एंट्री हो सकती है, बट ये है कि हाँ 365 दिन वहाँ पे एंट्री होती है, इतना मेरे को पता है कि पूरे साल कभी भी आप जा सकते हो, दिन में तो कभी भी, तो नाइट का मेरे को प्रॉपर नहीं पता कि क्या था वो सो रहे हो जब भी जो भी होगा, बट गेट, हाँ इतना है कि गेट पे वहाँ जो रहेंगे मौजूद रहेंगे गेट पे वहाँ बंदे, बट उनको पता कि रात को कोई नहीं आता, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप ऊपर चले जाएंगे वहाँ पे फिर आपको दोबारा फिर आपका जो है वो बैग वगैरह चेक किया जाएगा ऊपर जाने के बाद, जो वहाँ पे कॉपरल बोलते हैं उनको, ठीक है, जैसे अपने कैप्टन बोल देते हैं वैसे ही वहाँ पे उनको कॉपरल बोलते हैं, तो वो आपका सामान दोबारा चेक करेंगे। उसके बाद क्या होगा, सामान चेक करने के बाद आपका एक 9 क्वेश्चन का एक IQ टेस्ट नॉर्मली लेंगे एक कागज पे, ठीक है, वो सिर्फ आपका टेस्ट करने के लिए है, आपको देखने के लिए, वो सिर्फ आपको स्टम्प बताएंगे कि आपका ऐसे ऐसे एक IQ टेस्ट होएगा, तो वो आपको कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपका वो होएगा पूरे मे बी 90 मिनट का है, 90 क्वेश्चन आएंगे इसमें, तो आपको वो कंप्लीट करना होगा, 25-25, 20-20 ऐसे आएंगे, चार मतलब कि चार 20-20, हाँ ऐसे आएंगे, 25-25 और 20-20 ऐसे आएंगे कंटिन्यू, एक कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कंप्यूटर पे होगा वो, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, तो आपको वो भी कंप्लीट करना होगा। मतलब आपको पहले बता देंगे कि IQ टेस्ट किस तरीके से आएगा, बाकी मैंने वीडियो डाली हुई है IQ टेस्ट की, आप वो भी देख सकते हो कि किस तरीके का IQ टेस्ट होगा, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है बट ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि जब मैं गया था मैंने जब देखा था तो मेरे ग्रुप में से 5 बंदे निकाले गए थे, हाँ ये है कि अपने इंडियन में कोई नहीं था, इंडियन में एक मैं था, एक मेरे साथ एक भाई और गया था, अपने नॉन में है वो भी, हम दोनों गए थे हमारे उस टाइम पे, तो
बाकी नेपाली वहाँ ज़्यादा आते हैं, सब ज़्यादा नेपाली आते हैं, तो आप उनके साथ दोस्ती भी कर सकते हो, मिलजुल के रह सकते हो। और बाकी और भी जो लोग आते हैं सारे, मतलब फैमिली होती है, यूजली नहीं कि अपना सिर्फ यूरोप में ही आते हैं, यूरोप से ही आते हैं, या अपने इंडिया नेपाल ही आते हैं, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, मतलब यूके तो ही गया, कनाडा वगैरह सारी जगह से वहाँ आते हैं वहाँ की जॉब में ज्वाइन करने के लिए। मे बी मुझे नहीं पता क्यों, बट इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, एफएल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है आजकल अपने इंडिया में भी, और भी नेपाल में, कहीं मतलब अमेरिका में भी मेरी वीडियो चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट एक बंदे का मैसेज आया था इंस्टा पे, इंग्लिश में मैंने बात की थी उनके साथ, तो उन्होंने भी पूछा था कि कैसा कैसा माहौल है कैसा नहीं। तो माहौल वहाँ का बहुत अच्छा है, आपको तीनों टाइम खाना पीना मिलेगा, उनकी भी एक टाइमिंग है, प्रॉपर टाइमिंग है उनकी कि आपको उसी टाइम वहाँ पे जाना है, उस टाइम तक खाना है, आपको टाइम दिया जाएगा कि आपको उस टाइमिंग के बीच में ही खाना है, ठीक है, क्योंकि पूरा ग्रुप होएगा उनके साथ आपको खाना पड़ेगा। तो अभी हम कहाँ थे, अपना आईक्यू टेस्ट पे, आईक्यू टेस्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको अपना उनके वहाँ की तरफ से कपड़े वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जब आप एक टेस्ट क्लियर कर लोगे तो उसके बाद आपको कपड़े वगैरह दिए जाएंगे। बट मैं एक बार आपको बता दूँ, कई वीडियो में दिखाया गया कि वो एंट्री करते ही आपसे पूरा मरवाएंगे, ठीक है ना, तो वो पूरा नहीं मरवाते एंट्री करते, क्योंकि जो मैं गया था मैंने भी ये चीज़ देखा है, जो मेरे साथ के जितने भी लोग थे जो मेरे से पहले आए हुए थे, ठीक है, उन्होंने भी ये बताया कि पुलअप्स पहले नहीं होते, पुलअप्स बाद में होते हैं जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा। तो इस चीज़ का घबराना मत कि भी आप सोचो कि आप जाते ही पुलअप्स होंगे, नहीं जाते ही, क्योंकि एक वीडियो में दिखाया गया है कि जाते ही वो, एक वीडियो में कि वो जाते ही पुलअप्स मरवा रहे, ऐसा नहीं है, जाओगे आईक्यू टेस्ट होगा, क्योंकि आईक्यू टेस्ट हमारा मेन टेस्ट वो है, क्योंकि उससे वो चेक करते हैं कि बंदे की जो समझने की शक्ति है उसको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है भी या नहीं, मतलब पढ़ा लिखा है या नहीं, थोड़ा बहुत चेक करते हैं वो कि बिल्कुल डल तो नहीं है, बस इसी वो चीज़ चेक करते हैं आईक्यू टेस्ट से। वो क्लीन होने के बाद आपको कपड़े वगैरह दे देते हैं, तो उसके बाद वो मे बी एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, कभी भी आपका मेडिकल हो सकता है, ठीक है, मेडिकल में क्या है, आपकी बोन्स वगैरह जो आपके जोड़ भी होते हैं, कंधे का, अपनी कोहनियाँ, गोडे वगैरह, नीचे अपने पैर का, ये सारे जोड़ चेक करते हैं, आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं, उसके बाद आपकी आईज चेक करते हैं, एक आंख से बंद करवा के दूसरी आंख से पढ़वाते हैं, फिर ये वाली बंद करा के दूसरी आंख से, जैसे अपने इंडिया में आई टेस्ट होता है ना, एक बोर्ड पे लिखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड पे दूर अपना, वहाँ यहाँ पे है 10 मीटर की दूरी पे, दूरी से पढ़वाते हैं आपसे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, आई क्यू टेस्ट अपना, आई टेस्ट के बाद आपका ईयर चेक भी होगा, आपके कान चेक होंगे कि आपको साउंड, वो आपको साउंड सुनाएंगे, आपको एक हेडफोन दिया जाएगा, एक बंद कैबिन में आपको बिठा देंगे और आपको साउंड सुनाएंगे, आपके हाथ में होगा एक बटन, ठीक है, तो वो साउंड जब आपको आएगी, जब भी आपको अगर बिल्कुल हल्की सी साउंड आए ना, तो आपको वो बटन दाबना पड़ेगा, अगर आप बटन नहीं दाबोगे दाबोगे तो आप रिजेक्ट किए जाओगे, आपका मतलब कि वो क्या है, पास जब वो टेस्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वो चेक करते हैं, आपको एक नहीं कम से कम 10 साउंड सुनाई देंगी, कि किसी पक्षी की भी हो सकती है, कि पत्ते हिलते हैं रात को, अगर आप कहीं जा रहे हो तो रात को अगर कोई पत्ता हल्का सा हिला तो उसकी साउंड भी, धीरे धीरे आपको वो साउंड सुनने सुनाएंगे, वो अलग अलग साउंड चेंज करके, तो जब जब आपको कोई भी साउंड हल्की सी भी बीम बीम की भी आवाज़ आए ना, हल्की सी भी, तो आपको वो बटन दाबना जरूरी है, तो आपको वो आई, उससे आपका ये टेस्ट होंगे कि अगर बंदे को रात को कहीं अकेले में या कहीं भी भेजा जाए तो इसकी वो सुनने की शक्तियाँ कैसी हैं, इसका जो कान है वो सही है, पर्दे ठीक है या नहीं है, क्योंकि मुझे भी पर्दों की वजह से निकाला गया है, ठीक है, वो कह रहे कि आपके पर्दे में कोई दिक्कत थी, तो अभी यहाँ अपना पुर्तगाल में हूँ मैं, अब यहाँ पे दोबारा मैं चेक कराऊंगा, फिलहाल मेरा कार्ड, मेडिकल कार्ड बनेगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा फ्री में, जो फिर मेरा जो भी सारे चेकअप वो फ्री में हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैंने चेकअप कराया था, उन्होंने भी 43 यूरो ले लिए, बट कुछ नहीं चेक किया, जैसे मेरा वहाँ पे चेक हुआ था फ्रेंच फर्नीचर में, वैसे ही उन्होंने भी वैसे चेक करके मुझे रिपोर्ट दी नेगेटिव की, ठीक है, आफ्टर बाद मुझे वहाँ, जब मैं गया हूँ तो मुझे उन्होंने रिपोर्ट देख के वापस भेज दिया कि आप पहले इसका इलाज करिए फिर आइए। तो उसके बाद टेस्ट होने के बाद जब आपका टेस्ट क्लियर हो जाएंगे, अगर इनकेस आप किसी चीज़ में रह जाते हो, किसी भी चीज़ में कोई डाउट होता है आपकी आँख वगैरह में,
तो वो आपको एक एड्रेस देंगे उनका खुद ही, कहीं आर्मी वालों का एक हॉस्पिटल होता है, वो आपको एड्रेस दे देंगे। दो तो तीन एड्रेस होते हैं, तो आप वहाँ पे उनमें से किसी पे भी जाके, वैसे वो बता भी देंगे कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना है, बट जो मुझे हॉस्पिटल बताया गया था वो हॉस्पिटल गलत था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में जो मेरा टेस्ट लिखा हुआ था उस हॉस्पिटल पर टेस्ट होता ही नहीं था, वहाँ पर वो डॉक्टर भी नहीं था, तो उन्होंने दूसरा एड्रेस दिया था, तो मैं दूसरे हॉस्पिटल में गया था। उसमें तीन चार हॉस्पिटल थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि नीचे वाले जो टिक मार्क गया था कि इस एड्रेस पे जाओ, यहाँ पे ये डॉक्टर मिल जाएंगे आपको। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी, तो मैं गया था। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो मेरे चैनल पे विजिट करके जरूर देख लेना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मुझे जो मेरा आईटीआई टेस्ट हुआ उसके बाद मुझे निकाल दिया था। बाकी हम बात करते हैं कि उसका जो होता क्या क्या है। मेडिकल टेस्ट क्लियर होने के बाद अपना होएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग वगैरह होएगी, पुलअप्स होएंगे, वो सब कुछ होएगा। उसके बाद आपको फिर वहाँ से आगे ओबांग भेजा जाएगा, और ओबांग जब जाते हैं तो वो जाते हैं हफ्ते में 2 बार, मतलब एक मंडे को और एक फ्राइडे, नहीं फ्राइडे नहीं थर्सडे को, थर्सडे मतलब वीरवार को, फ्राइडे को नहीं शुक्रवार को नहीं, मतलब सोमवार और वीरवार, इन दोनों दिन वहाँ से ग्रुप जाते हैं तैयार होके ओबांग की तरफ। और ओबांग जो उनको भेजते हैं ओबांग में जाके क्या होता है, ओबांग में वो करते हैं आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपके बैंक अकाउंट वगैरह, आपका बैंक अकाउंट हो गया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो आगे पीआर के लिए, आपके कार्ड के लिए जो अप्लाई होते हैं, वो सब कुछ वो लगाते हैं, तैयार करते हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन एक हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर आपको आगे ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं सेलेक्शन होने के बाद। और क्या था अपना, हाँ वहाँ पे खाने पीने का, खाने पीने का क्या है अपना, वहाँ पे सुबह तो जब अपना होता है नॉर्मली एक ब्रेकफास्ट ही होता है, एक आपको जैसे अपने वहाँ मिलता है डबल हॉट डॉग लगा लो, हॉट डॉग मिलता है ना उसी साइज का होता है, यहाँ पर उसको बोलते हैं बगत, फ्रांस में उसको बगत बोलते हैं, तो वो आपको मिलेगी। और उसके बाद सुबह की बात करो, सुबह आपको ये मिलेगी, उसके साथ आप ध्यान वगैरह दे सकते हो, और उसके साथ आपको मिलेगा आप मतलब चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी ले सकते हो, तीनों चीज़ों में से नॉर्मल पानी लेना है पानी पी लो, मतलब पानी तो कौन पिएगा, फिर तो दूध चाय कॉफ़ी कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। और फिर दोपहर की अगर हम बात करें, दोपहर को प्रॉपर खाना मिलता है, वो भगत जो मैं बात कर रहा हूँ फिर वो हॉट डॉग की तरह, वो आपको तीनों टाइम मिलने वाली है, जो जो वेज है तो उनको सिर्फ उसे, अगर वो मतलब कि नॉन वेज नहीं खाते तो उनको सिर्फ उस भगत के ऊपर डिपेंड होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं रहा था तो मैंने सिर्फ वो भगत ही खाई थी तीनों टाइम, मैं 4-5 दिन रहा वहाँ पे, तो मैंने सिर्फ उसी के सारे अपना मैं रहा वहाँ, उसके सारे मैं जीता रहा। और उसके बाद क्या है, दोपहर को अपना जो खाना होता है उसमें वेज भी होता है, वेज में आपको दादू कैसे जैसे उन्होंने राइस बनाए हैं, तो राइस के ऊपर वो क्या करेंगे, जैसे अपना वहाँ पे हम इंडिया में ज़्यादातर क्या करते हैं, चावल के ऊपर कढ़ी, मोस्टली कढ़ी, कढ़ी को पूरे ऊपर से उसके ऊपर घेर के ना फिर उसको बोल के अच्छे से फिर खाते हैं, वैसे ही करते हैं वहाँ, यहाँ भी चावल राइस राइस डालने के बाद ऊपर से उसके ऊपर चिकन वगैरह मीट जो भी वो बनाते हैं वो कह देते हैं, ताकि बंदे को फिर खाना ही पड़ेगा, बंदा क्या करेगा, बंदा ये नहीं कि बंदा खाली राइस खाए, क्योंकि उसमें सारा मिक्स हो चुका है। और उसके साथ आपको एक फ्रूट भी दे सकते हैं, फ्रूट भी मिलता है, कुछ भी मिल सकता है, कीवी वगैरह, कीवी एप्पल वगैरह कुछ भी मिल सकता है, मतलब मिलता डेली है, ये नहीं कि नहीं मिलता, डेली मिलता है आपके साथ। उसके बाद आप दही भी ले सकते हो, दही के एक छोटी डब्बी मिलती है, क्रीम होती है, बटर भी मिलता है, सब कुछ मिलता है खाने का, ये है लेकिन एक लिमिट है कि आपको ये चीज़ इतनी ही मिलेगी, एक ही चीज़ लेनी है आपने वो सब मिलेगा आपको, मतलब सभी सेट होता है, वो ये नहीं कि कम होता है, वो सभी सेट होता है, वो अपने अकॉर्डिंग खाते हैं कि जितना आपके लिए सफिशेंट हो, कि जिसमें आपकी एनर्जी रहे, आपका मोटापा, आपकी जो चर्बी है वो ना बढ़े, इसके अकॉर्डिंग उनका वो खाना होता है इस चीज़ के रिलेटेड। और उसके बाद रात की बात, अगर हम बात रात की बात करें तो रात को भी अपना जो दिन में खाना होता है उसी के अकॉर्डिंग, जो दोपहर का होता है ना उसी के अकॉर्डिंग अपना रात का खाना होता है, मतलब ये नहीं कि सेम ही मिलेगा, अलग ही मिलता है आपको, सेम नहीं मिलता कि दोपहर का बचा हुआ आपको रात को दे देंगे, नहीं वो खाना अलग मिलता है, जो बचा हुआ खाना तो मतलब फेंक देते हैं, या फेंक देते हैं या कहीं अपना गरीब लोगों को देने जाते हैं, वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट वो खाना रिपीट नहीं होता। तो इतने तो अपना, बाकी मेन जो है कुछ लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई मतलब कि इसमें
पैसे का, कि पैसे कितने कितना करते हैं भाई, खर्चा तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा वीज़ा लेके आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा लेके आ रहे हो, कहीं उनका पूरे सेंगन का लेके आ रहे हो, या आपके पास इटली लगा लो, पुर्तगाल लगा लो, कहीं का वीज़ा, तो आप उसके थ्रू वहाँ पे आप जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक बार वहाँ जाओ, अपना वहाँ जाके आओ। बाकी जो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर हम भाई डोंकी में आए, डोंकी में जाके कैंप वहाँ जा सकते हैं, ऑफकोर्स अगर आप डोंकी में भी आ रहे हो तो आप वहाँ जा सकते हो। आपके पास सिर्फ आपका एक पासपोर्ट होना चाहिए और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ पासपोर्ट। वो उनसे वीज़ा से रिलेटेड नहीं है कि आप यहाँ पे कैसे आए हो कैसे नहीं आए, वो उनको सिर्फ पासपोर्ट चाहिए। आप जाओ, पासपोर्ट लेके आओ, सीधा एंट्री करो, ठीक है। और आजकल आज तक का अपना मेन यही था, क्योंकि बहुत से लोग भाई पूछ रहे थे कि कैसे कैसे आके जाना है। बहुत भाई कहते हैं कि उनको पूरा डिटेल में समझाओ कि मतलब कैसे वहाँ पे रहने पीने का उनकी तरफ से है, खाने का पीने का सब कुछ, ठीक है, सोने का बिस्तरे वगैरह सब उन्हीं के मिलेंगे, बेड उनका होएगा। बेड में क्या है, जो आपने और भी वीडियो में देखा होगा, एक वीडियो में कि तीन सेट होते हैं, नीचे बीच में और उससे ऊपर, ऐसे तीन बेड है, ठीक है। और वहाँ पे तो तीन चार कमरे हैं, उन कमरों में कम से कम एक कमरे में मोस्टली आप मान के चलो 18 20 21 मे बी अप्रोक्सीमेट 40 एक कमरे में बंदे रह सकते हैं, इतना उन्होंने इतना अपना बना रखा है कमरा, और उसके अकॉर्डिंग बेड उन्होंने सेट किए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपना मेन जो टॉपिक था, इतने दिनों से जो चल रहा है, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि एफएल के बारे में हमको बताओ, प्रॉपर ट्रेनिंग दो, कि मतलब प्रॉपर समझाओ कैसे कैसे हमको वहाँ सर्वाइव करना है। तो आज के लिए जो अपनी वीडियो थी मेन यही थी। तो मिलते हैं आप किसी और नए वीडियो के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। एंड अपनी जो वीडियो है मे बी अब हर संडे को ही आया करेगी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मैं अपना थोड़ा सा काम करने लग चुका हूँ, थोड़ा जॉब मिली है, बाकी कुछ नहीं पता कि क्या था, मैं जॉब लीव भी कर सकता हूँ, नहीं पता अगर कहीं और जॉब मिल गई, क्योंकि मुझे प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो मेरी टाइमिंग है 12 से 12 की है, नहीं 9 से 9 की है, सॉरी 9 से 9 की है, 12 घंटे जॉब है। ओके, 3 2 3 घंटे आने जाने में लोग वेस्ट हो जाते हैं, लग जाते हैं, तो इसलिए मैं प्रॉपर कहीं कहीं पर जाके वीडियो नहीं बना पा रहा, आपको टूरिस्ट एरिया कोई दिखा नहीं पा रहा। तो मैं संडे को ही बनाया करूँगा, कहीं भी अगर जाऊँगा वो मैं वीडियो अपलोड किया करूँगा। जैसे आज मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशल आप लोगों के लिए, जो भाई मेरे मतलब कमेंट करके मतलब बोलते हैं मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इसके बारे में वीडियो बनाओ, तो सॉरी कि वीडियो थोड़ी लेट हो चुकी है। तो मिलते हैं आप किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राम राम सभी को।